बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वर्ज़, मैं हूं बारकली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आशा और खैरियत से होंगे। तो टूर एंड टेस्ट में आज हम आप लोगों के लिए लेके एक मज़ेदार सी रेसिपी, और आज हम बनाएंगे फिश मसाला, जो कि बहुत ही मज़े का तैयार होता है और खाने में बहुत लजीज है। तो ये देखते हैं कि आज की हमारी रेसिपी जो है वो किस तरह तैयार होगी और उसके लिए हमें किन किन अज़ा की ज़रूरत है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फिश के ऊपर लगा लेंगे थोड़ी सी अजवाइन। फिश जब बाज़ार से लेके आए थे तो उसके ऊपर नमक और अजवाइन लगी हुई थी। नमक और अजवाइन हम पहले दो दी है, और अभी हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी अजवाइन और लीमू का रस। लीमू का रस निचोड़ने के बाद मछली के गिर लीमू का रस और अजवाइन जो है वो लगा लेंगे। नमक और अजवाइन लगाने के बाद मछली को रखेंगे साइड पे और तैयार कर लेंगे बाकी चीजें। काटने के बाद प्याज को चॉप कर लेंगे। अभी हम कूट लेंगे अदरक और लहसुन। टमाटर की बना लेंगे प्यूरी। चीजें हमने तैयार कर ली हैं और अभी चूल्हे में जलाते हैं आग। चूल्हे में आग हमने जला ली और पैन को रखते हैं चूल्हे पे। पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गर्म हो गया और मछली को फ्राई कर लेंगे। मछली को एक साइड से थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। इस तरह से थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के बाद अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। मछली को हल्का हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और अभी दूसरी साइड से भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। मछली के ये वाले पीस हमारे फ्राई हो गए हैं और इनको हम पैन में से निकाल लेंगे। फिश हमारी फ्राई हो गई है। कढ़ाई को रखते हैं चूल्हे पे। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, और ऑयल हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें हमने मछली को फ्राई किया था। ऑयल को थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया, अभी हम कढ़ाई में डाल लेते हैं चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को नरम होने तक पका लेंगे। प्याज को नरम होने तक पका लिया, और अभी प्याज के साथ कढ़ाई में शामिल कर लेते हैं टमाटर की प्यूरी।
टमाटर की प्योरी को भी इसमें से पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। टमाटर को भी हमने पका लिया और अभी कढ़ाई में डाल लेते हैं कुटा हुआ अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन को भी थोड़ी देर के लिए पका लिया और अभी हम कढ़ाई में डाल लेते हैं खुश्क मसाला जार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा सा डाल लेंगे नमक, थोड़ा सा डालेंगे कुटा हुआ खुश्क धनिया, थोड़ी सी कसूरी मेथी और इसको हाथ से मसल लेंगे। अभी मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। अगर मसाला तैयार करते हुए नीचे लगना शुरू हो जाए तो आप मसाले में पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह मसाला हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। मसाले के साथ कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरह हलाएंगे। मसाले को हलाने के बाद अभी हम कढ़ाई में रख लेंगे मछली। मछली को कढ़ाई के अंदर रखने के बाद कढ़ाई को ऊपर से ढांप देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे हल्की सी आंच पे दम पे रहने देंगे। फिश को दम पे रखे हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और भी एक दफा इसे हलाएंगे। और फिश को हलाएंगे हम कुछ इस तरह से, चम्मच नहीं चलाएंगे बल्कि कढ़ाई को उठा के इसको हला लेंगे इस तरह। हलाने के बाद दोबारा से कढ़ाई को ऊपर से डाल देंगे। कढ़ाई को दम पे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अभी दोबारा से खोल के चेक करते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू जो है बहुत ही मजे की। एक दफा फिर से हलाएंगे। और चम्मच की मदद से मछली को थोड़ा थोड़ा हला लेंगे ताकि मछली जो है वो नीचे पैंदे के साथ चिपके ना। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे खुला रख के पका लेंगे। तो माशाल्लाह हमारी मसाला फिश जो है बहुत ही ज़बरदस्त ही तैयार हो गई है। फिश जो है वो भी अच्छी तरह गल चुकी है, पक चुकी है, फ्राई हो चुकी है और मसाला जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी हम कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। अभी हम आपको फिश मसाला रेसिपी जो प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। प्लेट के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। तो माशाल्लाह हमारी फिश मसाला की रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई और इसका जायका कैसा रहा।
हाँ जी अब जी, मसाला फिश कैसी तैयार हुई? माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत ही मजेदार। हाँ जी बेटा जी, मसाला फिश का मजा आया? जी अब जी, बहुत मजा आया। तो माशाल्लाह ये हमारी मसाला फिश जो है बहुत ही जबरदस्त सी तैयार हुई। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जो पसंद आएगी, पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों अहबाब के साथ, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।